डियर फ्रेंड्स, दिस इज निशांत रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग CNRI। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस चैनल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इस चैनल की शुरुआत एक्चुअल में केमिस्ट्री डाउट सॉल्विंग से शुरू हुई थी। स्टूडेंट को बहुत सारे डाउट आ रहे थे और बुक्स में उनको ऑथेंटिक डाउट करेक्शन नहीं मिल पा रहा था, ऑथेंटिक आंसर नहीं मिल पा रहा था, और साथ ही साथ मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी करनी थी। तो एक एक कॉन्सेप्ट लेके कि ऑथेंटिक नॉलेज देनी है और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी करानी है, इस कॉन्सेप्ट के साथ इस चैनल की शुरुआत हुई थी। बाद में स्टूडेंट की डिमांड आने लगी कि सर ये वीडियो वो वीडियो, तो फिर डिफरेंट डोमेन के और डिफरेंट सब्जेक्ट के कई सारे वीडियो को इसमें अपलोड किया गया, जो कि क्लास 5th से स्टार्ट हैं। आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तमाम वीडियो हिंदी मीडियम के हों, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों, और किसी भी लेवल के हों, लगभग सारे लेवल के वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। अभी तक लगभग 1800 प्लस यानी 1800 प्लस वीडियो जो है वो इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हुए हैं, जो कि डिफरेंट डोमेन के हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट सर्च करेंगे, आई होप कि आपके काम के वीडियो यहां पर मिल जाएंगे। आपका प्यार लगातार मुझे मिल रहा है और ये आगे भी मिलते रहना चाहिए, क्योंकि ये मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अभी के डेटा के हिसाब से, आज के डेटा के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो लगभग 75% व्यूअर्स जो हैं वो इस चैनल के नॉन सब्सक्राइबर हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल 25% व्यूअर्स ने ही सब्सक्राइब किया हुआ इस चैनल को। तो भाई, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपका कोई भी कमेंट्स है, कोई सजेशन है, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ इसको करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। आप भी मोटिवेटेड रहिए और मुझे भी मोटिवेटेड करते रहिए। बस यही आशा के साथ वीडियो शुरू करते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पोजीशन इफ़ एसोसिएटेड विद एन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विच इज़ इक्वल टू 1×10⁻¹⁸ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि यहाँ पर आपको क्या किया है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम की वैल्यू जो है वो गिवन है 1×10⁻¹⁸ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। कह रहे कि द अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इज, आपको अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी बताना है, और आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 9×10⁻²⁸ ग्राम। तो सबसे पहले हम गिवन वैल्यू को देख लेते हैं कि गिवन वैल्यू हमारे पास क्या क्या है। तो हमको दिया है डेल्टा पी की वैल्यू दी है 1×10⁻¹⁸ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, और हमको जो है वो डेल्टा वी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, और हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दे दी है 9×10⁻²⁸ ग्राम। देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें तो डेल्टा पी जो होता है वो m×∆v होता है, ठीक है ना। हमें डेल्टा वी की वैल्यू जो है वो पता करनी है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पता करना है। तो डेल्टा वी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा पी बाई एम हो जाएगा। अब डेल्टा पी की वैल्यू कितनी है, 1×10⁻¹⁸ है, और बाई डेल्टा वी की सॉरी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, 9×10⁻²⁸ है। इसको अगर हम देखें तो ये 1×9×10⁻¹⁸ × 10⁻²⁸ हो जाएगा, यानी कि ये 1/9×10⁻¹⁰ हो जाएगा, ठीक है ना। अब 1/9 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो होती है वो 0.11 आएगी, तो 0.11 इस तरह से आती रहेगी, तो 10⁻¹⁰ हो जाएगा, सही है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.1×10⁻¹⁹ लिख सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, या इसको हम लिख देंगे 1×10⁻¹⁹ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।